तो भाई आज तेरी दुकान बंद है? कौन सी दुकान? वही जहाँ तू काम करता है। काम करता है नहीं सेठ जी, काम करता था। तू खुद सेठ बन जा। तो फिर आप? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेठ बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। तू नौकरी छोड़, कोई छोटा मोटा धंधा कर, ऐसा बोल रहा हूँ। आपने मुझे जो खुद का धंधा शुरू करने का आइडिया दिया था ना, मैंने ऐसा ऊंचा धंधा सोचा है कि कुछ ही समय में आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मुझसे कहेंगे, बागा सेठ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो। हे भगवान, थोड़े ही दिन में मैं प्यास किंग बन जाऊंगा। ओहो बागा, अब सिर्फ बोलेगा या धंधा भी शुरू करेगा? जेठा सेठ का नाम लेके शुरू हो जा। बोलो जेठालाल सेठ की जय। प्याज ले लो प्याज, ताजा ताजा सुंदर सुंदर प्याज। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। प्याज ले लो प्याज, प्याज ले लो प्याज। भाई साहब सुनी तो। अरे वाह, बोनी हो गई। अरे बाप रे, कहाँ गई बोनी? भाई साहब। ओह आइए आइए बहन जी, आपके शुभ कदम मेरे ठेले तक आए हैं। लक्ष्मी जी से शुरुआत होगी, सोचिए मत, ले लीजिए। थैंक्स बट वो नो इफ नो बट। बोलो जट जी। जट जट बोलिए, कितना दूं? जी नहीं, वो मार्केट तो मार्केट में कहीं प्याज है ही नहीं, सब जगह से गायब हो गए हैं, सिर्फ मेरे पास ही है। अरे आप तो बुरा मान गई लक्ष्मी जी। अच्छा आप बोलिए बस। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आसपास एक मार्केट है जिसके पीछे हनुमान का मंदिर है, जहाँ मुझे जाना है। आप प्लीज इतना बता दीजिए कि वो मार्केट किधर है। अच्छा वो? जी जी। वो तो मुझे नहीं पता। तो पहले बताना था ना। अरे पहले आपने पूछा। ओ बागा, ये तो बोनी में पनौती लग गई। पर कोई बात नहीं, नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि निष्फलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश प्याज। प्याज वाला प्याज, प्याज ले लो। अरे भाई प्याज कैसे दिया? हाँ इनसे तो बोनी करवानी है। अरे चाचा जी भाव मत पूछिए, एकदम सस्ते हैं, 20% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। 80 रुपए के प्याज सिर्फ 64 रुपए में। इतना भाव? प्याज प्याज होकर सोना हो गया। सच बात है चाचा जी, अब हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के, टमाटर के, और मैं तो बोलता हूँ आप प्याज ले लो, भाव और बढ़ने वाले हैं। मुझे आज भी याद है, 4 रुपए किलो में बिकता था प्याज। अच्छा, पहले प्याज छिलते हुए आंखों से पानी आता था, आज इसका भाव सुनकर आंखों से पानी आता है। गरीबों की तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए तो प्याज एक सपना बनकर रह गया है। अरे चाचा जी मैं तो बोलता हूँ, अगर हर आदमी मिलकर ये नक्की करे कि प्याज खरीदना ही नहीं है, तो प्याज के भाव अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये बागा बेवकूफ, तू खुद प्याज बेच रहा है और खुद बुराई कर रहा है। सच कहा तुमने। अरे क्या सच बात कह रहे हो चाचा जी, हर चीज महंगी होने लगी इसका मतलब ये कि लोग चीजें खरीदना ही बंद कर देंगे, और खाने पीने के मामले में महंगाई नहीं देखनी चाहिए। खाने का सुख ना पाओ, ऐसा पैसा बचाने का क्या फायदा? मैं तो बोलता हूँ हर आदमी को प्याज खाना ही चाहिए। हाँ ये बात तो है। तो बोलो कितना दूं? एक। अरे वाह, 1 किलो? अरे नहीं भाई, सिर्फ 1 पीस, 1 नग। एक नग? हाँ ये लो पैसे। एक काम करो चाचा जी, ये 1000 का नोट आपके पास ही रखो, और ये 1 प्याज ये बाघा दादू उदय वाला की तरफ से आपको भेंट। अरे पर। अरे रखो अभी, 1 कांदे में क्या। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। चलो भाई प्याज का बंदोबस्त तो हो गया, अब टमाटर का ठेला ढूंढते हैं। अरे टमाटर वाले,
दया भाभी, दया भाभी मैं तैयार हूँ। अंजलि भाभी मैं यहाँ हूँ, चलो। ओहो दया भाभी, मैं सोचा आप वहाँ है। एक मिनट बाबा, एक मिनट लो, मैं आ गई। इतनी जल्दी करवाती हूँ, कान के बूंदे भी हाथ में लाने पड़े। सॉरी। और आपके उत्साह का तो क्या कहना, हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जीवन में हमेशा रेस के घोड़े की तरह रहना चाहिए। मतलब? मतलब सीटी बजी नहीं कि दौड़ना शुरू। चलिए अभी जानवर का पट्टा खरीदना है, फिर सब्जी खरीदना है, फिर टप्पू के पापा के लिए उड्डू बनाना है, बहुत काम है। चलिए जल्दी चलिए। एक मिनट, अब चलिए चलिए कर रहे हैं पर खुद तो खड़े हो, चलो अभी। चलिए चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और ये मॉडल भी इतना बढ़िया है ना भाभी जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। और आपका फ्लैट का जो साइज है ना, वो हिसाब से 32 इंच का एलसीडी एकदम परफेक्ट है। तो बोलिए डिलीवरी कहाँ करनी है? एक मिनट, मॉल की दुकान वाले एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर भी फ्री दे रहे हैं। हाँ तो हम भी देते, लेकिन दिवाली में, अभी वो स्कीम बंद है। अभी नई स्कीम शुरू हुई है, एक एलसीडी के साथ 1 किलो प्याज फ्री। अरे भागा, आओ आओ भागा। अरे क्या आओ आओ, ये भाई ये क्या बोल रहे तू? नहीं नहीं, ऐसे कोई स्कीम नहीं है हमारी दुकान में। एक मिनट सेठ जी, आप बोलिए आपको कैसी लगी ये स्कीम? नहीं भाई नहीं, आजकल प्याज बहुत महंगे हैं, प्याज को आजकल घर में रखना बहुत रिस्की है, अड़ोस पड़ोस वाले मांगने आ जाते हैं, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, सुन लिया भाई, जा अपना काम कर। क्या काम करूँ? खड़ा रहो उधर चुपचाप। नहीं नहीं उधर क्यों? ठीक है अभी खड़ा रहो, बाद में बात करता हूँ। तो बोलिए आपने क्या नक्की किया फिर? एक फाइनल रेट बता दीजिए। फाइनल बोला ना, 30,000, उससे कम नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, हम सोच के बताएंगे आपको। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए और 2-3 जगह पूछ लीजिए। 30,000 से कम में आपको ये पीस मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा आपके साथ में खरीदी करने। ठीक है, ओके नमस्ते। ओके नमस्ते, नमस्ते। ये भाई है, तो ये प्याज लेकर दुकान में कहाँ घुस गया? सेठ जी, सोचने जाए तो बाघा की स्कीम में दम है, आजकल प्याज बहुत डिमांड में है। नट्टू काका, आप इसकी वकालत मत करो। और भाई देख, मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान में ये प्याज प्याज नहीं चलता। तो फिर मैं प्याज का क्या करूँ? तो मुझे क्या पूछ रहा है भाई, तेरा प्याज है तू जाने। लेकिन आइडिया तो आपने दिया था। भूल गए सेठ जी, आप ही ने तो बागा को आइडिया दिया था कि छोटा मोटा धंधा कर, सेठ बन। हाँ तो छोटा मोटा धंधा करने को बोला था, प्याज का धंधा करने को बोला था मैंने? नहीं ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर? लेकिन सेठ जी, सुबह से प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। देख बागा, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। सुन बागा, सेठ जी की बात ध्यान से सुन। सेठ जी पते की बात बता रहे हैं। बोलिए सेठ जी। स्टार्ट। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ देख बागा, कोई भी नए धंधे की शुरुआत में 17 मुसीबतें आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझा? यहाँ तू अभी दुकान में खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। बाहर निकल, थोड़ी और मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सेठ जी, आप महान हो। अरे आप जैसे लोग कभी कभी अनजाने में एकदम सही आइडिया दे देते हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी, आपने बाघा को ऐसा कौन सा आइडिया दिया? वो आप नहीं समझेंगे, बाघा होशियार है, वो समझ गया। भाई साहब, दुकान में क्यों जा रहे हो? एलसीडी लेना ना, तो 1 किलो प्याज ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगा है। 1 किलो प्याज नहीं खरीद सकते, एलसीडी टीवी क्या खरीदोगे? व्हाट नॉनसेंस। जैसी जिसकी सोच। अरे ये कौन सा बिजनेस करने का नया तरीका है? हर आपका आदमी ऐसी बातें करता है कि शर्मिंदा होकर अंदर आके आदमी खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाए। ओ, वो
जो प्याज बेच रहा है उससे कह रहा था प्याज खरीद नहीं सकते, एलसीडी क्या खरीदेंगे। अब मैं एलसीडी यहाँ से नहीं खरीदूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे सुनिए, अरे ओ भाई नटू काका, ये बागा अभी तक इधर ही है, ये इस तरह सब बोलेगा तो ये धंधा बंद करवाएगा हमारा, इसको निकालो यहाँ से। अरे भाई बागा, तू भाई इधर क्या प्याज बेच रहा है? अरे आप ही ने तो कहा सेठ जी के बाहर जाके प्याज बेचो। बाहर जाके बेचो मतलब और कहीं बाहर, मेरी दुकान के बाहर नहीं? अरे सेठ जी, प्याज बेचने के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है। हा? कैसे? समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, जो आदमी महंगा एलसीडी टीवी खरीद सकता है वही आदमी आज के टाइम में ये प्याज खरीद सकता है। हाँ, लेकिन वो आदमी एलसीडी तभी खरीद पाएगा जब वो अंदर आएगा। पहले इधर तेरे पास से प्याज खरीद लेगा तो उसका बजट तो इधर ही खत्म हो जाएगा। और देख भाई, दूसरी मेन बात, मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान के बाहर ये प्याज बात नहीं बेचने का भाई। बाघा बेटा, सेठ जी की बात सच है, तू कहीं और जाके प्याज बेच। अरे लेकिन नट्टू काका, सुबह से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। बेटा तू समय से आ गया है, यू आर वेरी मच एडवांस, भले इस वक्त तेरी कदर नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बैंक से लोन लेंगे तेरा प्याज खरीदने के लिए। आपकी बात सही है नट्टू काका, लेकिन तब तक ये प्याज बिगड़ नहीं जाएंगे। हाँ वो भी है, बिगड़ तो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँ? जहाँ से ये प्याज तूने खरीदा उसको वापस दे के आ भाई। वो भी ठीक है, लेकिन वो वापस लेगा? मुझे मत पूछ, मैं जैन आदमी हूँ। सॉरी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। सेठ जी, आपने जो समय समय पर मुझे सलाह देकर मेरी मदद की है उसके लिए ये बाघा दादू उंढाई वाला आपका हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगा। ठीक है ठीक है। और हाँ सेठ जी, पता नहीं मैं नट्टू काका को हमेशा कहता हूँ कि आप में ऐसी कोई बात तो जरूर है जो मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मैं नट्टू काका से भी कह रहा था, सेठ जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सेठ जी। आश, भला टले। भला क्या? भला भला हो इसका। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने जो दुकान का पता दिया था वहाँ पर भी जामेवार का पट्टा नहीं मिला, लगता है अहमदाबाद से वो पट्टा मंगवाना पड़ेगा। बात तो सही है दया भाभी, पूरी दुकान में से उसने हमें 3 पट्टे दिखाए जामेवार के बस। अरे अरे अरे, लगता है आप थक गए, लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास वैसे ही ज्यादा सामान है, मैं थकी नहीं हूँ। पर एक बात है, हाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी जाने के लिए यहाँ से रिक्शा जल्दी नहीं मिलती। हाँ वो तो है, चलिए ना, शायद मिल जाएगी आगे। ओ, 2,000 रुपए का नुकसान हो गया पर प्याज से छुटकारा मिल गया। इस 3,000 रुपए का क्या करूं? कौन सा नया धंधा शुरू करूं? या फिर कोई अच्छा सेठ ढूंढकर उसकी दुकान पे नौकरी करता हूँ? क्या करूँ? सेठानी जी, हाँ सेठानी जी। अरे बागा भाई, कैसे आप? प्याज जैसा कीमत बहुत है पर लोग दूर हो रहे हैं। चलता। अरे सेठानी जी, लाइए लाइए, आपका सामान मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बागा भाई, हमें अभी रिक्शा मिल जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे होते हुए आप सामान उठाओ तो मेरी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी आत्मा को? और जब तक रिक्शा नहीं मिलती है तब तक ये सामान मैं उठा लूंगा। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, दीजिए ये भी दे दीजिए, ये भी, और थोड़ा भारी है वो, ये भी दे दीजिए, और पड़ोसी सेठानी आपका सामान भी दे दीजिए। नहीं नहीं बागा भाई, रहने दीजिए, इट्स ओके। आज तक बागा को किसी ने मना नहीं किया है, आप बोलिए ना। आप दे दीजिए अंजलि बाबी, ये मानेंगे नहीं। अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले आप ये पकड़िए। अब ये, अब ये थैली दे दीजिए। और क्या है ना, मेथी के थेपले। अरे वाह, या मेथी के थेपले।
बस बस बाघा भाई, आपको वजन लगेगा, आप मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं सेठानी जी, चलिए ना। अरे बाघा भाई, आप थक गए होंगे। पाड़ोसी सेठानी जी, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा अभी, चलो ना। रिक्शा रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम। अरे बागा भाई, इसके खिलाफ तो मैं कंप्लेन करूंगा। बागा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी तो आ गई, देखिए ये देखिए, तो आ गई। चलिए सेठानी जी, ये सब आपको घर पे छोड़ देता हूँ, आइए पड़ोसी सेठानी जी। हाँ, पता नहीं आज ये इतना बदन क्यों दर्द कर रहा है। आइए 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 बागा भाई, संभाल कर है। अरे आओ आओ बागा, आओ, कैसा है? प्यास जैसा, कीमत बहुत है पर लोग दूर हो रहे हैं। आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? नहीं सेठानी जी, मुझे जाना है। नहीं नहीं बागा भाई, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। बापू जी क्या हुआ पता है? मैं और अंजलि भाभी आ रहे थे तो हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी, तो बागा भाई हमें रास्ते में मिले और हमारा सारा सामान उठा लिया और हमें घर तक छोड़ने के लिए आया। अच्छा, अरे वाह, आओ बागा आओ, बैठ, चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। हाँ बैठो ना, बैठो, आज लाइक बैठिया बैठो बैठिया। क्या हुआ बापू जी, अपनी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ है, वो बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। तू चाय लेकर आ। लाती हूँ। बापू जी, मैं आपको टचा के फोड़ देता हूँ, 5 मिनट में तो दर्द गायब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बागा, रहने दे। अरे नहीं नहीं बापू जी, मुझे भी लाभ दीजिए। अरे अरे इतना कोई दम ठीक कर दूंगा। ठीक हो जाएगा, देखिए तो सही। हो जाएगा बापूजी, अब भी हो जाएगा, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब एक काम कीजिए बापूजी, अब आप उल्टे लेट जाइए। हाँ लेट जाइए उल्टे सो जाओ, उल्टे सो जाइए आराम से। कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। अरे बागा, अरे वाह, तेरे हाथ में तो जादू है, दर्द एकदम गायब हो गया। थैंक यू बागा भाई, बैठे ना, चाय पी जाओ। हाँ बैठ बैठ, चाय पी लीजिए बापू जी। अरे बागा, आज क्या तुझे छुट्टी है? नहीं बापू जी, वो मैं नट्टू काका की जगह दुकान पे 10 दिन के लिए आया था ना। हाँ। तो मेरे सेठ ने किसी दूसरे आदमी को रख लिया, फिर जब मैं जेठा सेठ के पास वापस गया तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, लेकिन किस्मत ने उसमें भी मुंह मोड़ लिया। बोलो अम्मा, बोलो बोलो माँ, बोलो माँ। हाँ नहीं माँ, वो जमेवर का पट्टा नहीं मिला। टप्पू के पापा वो कायबा देवी मार्केट में गए थे ना, वहाँ पर भी नहीं मिला, और उन्होंने जो दुकान का पता दिया था ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। पता
पता नहीं मेरी साड़ी को जामेवर का पट्टा कब मिलेगा। लगता है अहमदाबाद आऊंगी ना तब वहाँ से ही ले लूंगी। और बताओ सुंदर कैसा है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। सेठानी जी आपकी साड़ी मुझे दे दीजिए, ये बाघा दुनिया के किसी भी कोने में जाके जामेवाड़ का मैचिंग पट्टा ढूंढ के लेके आएगा। अरे नहीं नहीं बाघा भाई आप। सेठानी जी आपको पता है ना मैं मानने वाला नहीं हूँ। ठीक हो गया ना दर्द बापूजी? अरे एकदम राहत हो गई है बाघा। बाघा के हाथ में है ही जादू बचपन से। ये साड़ी और ये पैसे। अरे पैसे सब बाद में समझ लेंगे सेठानी जी। अच्छा बापूजी मैं चलता हूँ। थैंक यू। दोस्तों कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं रुकती। वक्त, महंगाई, भ्रष्टाचार, बहती नदी और बाघा के हंगामे। हमारे बाघा जितने हंगामे लेके आए उतने कम है। वैसे हंगामे इन दिनों देश में कौन से कम है साहब? बचपन में एक कहानी सुनी थी और एक कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। भाई हालात देश के हैं, 65 रुपए किलो का प्याज भी है और 65 रुपए लीटर पेट्रोल भी। खैर छोड़िए साहब, मैं यहाँ पे महंगाई डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। हम लौट चलते हैं बाघा पे। भाई बाघा की एक खासियत तो है कि भाई परिणाम चाहे कुछ भी हो, जिंदगी में सफलता मिले या असफलता, लेकिन प्रयास पूरे करने चाहिए। प्याज के बिजनेस में ये असफल हो गए लेकिन अब जामेवार का पट्टा लेने निकले हैं दया भाभी की साड़ी के लिए। अब आपको क्या लगता है क्या ये पट्टा लेके लौट के आएंगे और जब लौट के आएंगे तो साथ में कितने हंगामे होंगे? अब ये लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये बात की बात है, लेकिन आपके चेहरों की हंसी ये कहीं नहीं जाएगी। भाई जाएगी तो लौट के आएगी ना। हम बरकरार रखेंगे आपके चेहरों की हंसी जिसका एड्रेस सिर्फ एक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।